close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Hello everyone, welcome back. I'm Manya here. आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर का डिजाइनर वेडिंग गाउन यहाँ पर वेयर किया हुआ है, जिसके साथ मैंने बहुत ही प्यारा मेकअप लुक क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल कॉस्मेटिक के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये ईद स्पेशल मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे मॉइस्चराइज़र। अब इसे अच्छे से आपको अपनी पूरे स्किन पर अप्लाई कर लेना है और सेट होने देना है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगी स्टे क्वर्की का प्राइमर। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, और वैसे भी जो रमज़ान ईद है वो फुल समर्स में है, और अगर हम डे टाइम में या नाइट टाइम में कभी भी मेकअप करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा जो मेकअप है वो फेंट हो जाता है। तो हमारा मेकअप फेंट ना हो, इसलिए हम प्राइमर को अच्छे से अपने ओपन पोर्स एरिया पर यूज़ करेंगे और अपनी आई लीड पर भी यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैक स्ट्रॉबिंग क्रीम, बिकॉज इट्स माई मोस्ट फेवरेट क्रीम। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब इसे अच्छे से अपने पूरे स्किन पर मैं ब्लेंड कर लूँगी, और अगर आप भी चाहती हैं कि आपका स्किन शाइन करे तो आप कोई भी अच्छा वाला इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकती हैं। अब इसे अच्छे से अपने स्किन पर अप्लाई करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, और उसके बाद अपना मेकअप करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर। तो मैं इसे अच्छे से अपने आईलिड एरिया और अपने नोज़ एरिया, चिन एरिया, माउथ एरिया, फोरहेड एरिया पर अच्छे से अप्लाई करूँगी, बिकॉज इट्स अ मेकअप बेस। आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको आपका कंसीलर और अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से अपने स्किन पर ब्लेंड करना है। इसके लिए अगर आपको 5 से 10 मिनट भी लगे हैं तो आपको लगने देना है, बिकॉज इट्स योर मेकअप बेस। अगर आप अपना मेकअप में आपका बेस अच्छा रहेगा तभी आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका मेकअप बेस अच्छा रहना चाहिए, जिसके लिए आपको एक अच्छा फाउंडेशन और एक अच्छा कंसीलर यूज़ करना है। एंड मेबेलिन फिट मी कंसीलर एंड फाउंडेशन इज़ बेस्ट। तो मैं इसे यहाँ पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। अब यहाँ मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। आप हमेशा ही ध्यान रखिए कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, और उसे अप्लाई करने से पहले आपको वार्म वाटर में डालकर अच्छे से उसे निचोड़ लेना है, और उसके बाद आपको डैप डैप मोशन में अपना कंसीलर और अपना फाउंडेशन सेट करना है। ऐसे करने से होगा ये कि जो आपका कंसीलर है, आपका फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर सेट हो जाएगा। इसमें आपका टाइम ज़रूर जाएगा, लेकिन जो आपका मेकअप बेस है वो बहुत अच्छे से आपके स्किन पर सेट हो जाएगा। अब इसे अच्छे से सेट होने के बाद 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। अब आपको बहुत अच्छे से डॉट डॉट करके अपने पूरे ही फेस पर फाउंडेशन है उसे अप्लाई कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फेस का कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। आपको अपना फुल नोज़, फुल हेड और अपना फुल फेस कवर करना है। इवन आपको अपने ईयर एरिया को भी कवर करना है और अपने नेक एरिया को भी कवर करना है, तभी आपका जो फेस है, आपका नेक है, आपकी ईयर है, वो बिल्कुल से सेम दिखेंगे और आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेकअप बेस में हमेशा टाइम जाता है, लेकिन हमें अपने मेकअप बेस में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे सेट कर लेंगे। अब अगेन आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको डैप डैप करके अपने फाउंडेशन को सेट कर लेना है। इसमें आपका टाइम ज़रूर जाएगा, बिकॉज जब आप डैप करते हैं तो एक ही बारी में आपका फाउंडेशन सेट नहीं होता है। आपको एक ही जगह पर 4-5 बार डैप डैप करना पड़ता है, तभी आपका फाउंडेशन सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से जो मेरा फाउंडेशन है वो सेट हो रहा है। अब यहाँ अच्छे से जो मेरा फाउंडेशन है वो भी सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ मेबेलिन कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने मेकअप बेस को सेट करने के लिए कोई भी बनाना पाउडर या लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे ब्रश की हेल्प से डैप डैप कर अपने मेकअप बेस को सेट कर रही हूँ, बिकॉज ऐसे सेट करने से जो आपका मेकअप बेस है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है और आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है। तो आप भी सेम ऐसे ही अपने मेकअप बेस को सेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पेपर टेप लगा ली है और मैं करूँगी स्टार्ट अपना मेकअप। तो मैंने यहाँ पर हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, जिसमें सबसे लाइटर वाला शेड मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी। तो मैं अपनी आई लिड पर सबसे पहले लाइटर वाला शेड अप्लाई करूँगी अच्छे से। अब मैं यहाँ कलर बार का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अपने आई लिड पर आई शेडो क्रिएट करने के लिए, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है। आप जितना चाहे उतना डार्क रख सकते हैं। अब हमें किसी ब्रश की हेल्प से अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि वो एक जैसा लगे। अब यूज़ करेंगे लाइनर। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ HR का लिक्विड लाइनर, बिकॉज़ ये लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी अच्छा स्टे करता है और अप्लाई करने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्लम का काजल, जो काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है, और मैं एक डार्क लाइन अपनी वाटर लाइन पर क्रिएट करूँगी। अब यहाँ यूज़ करूँगी मेबेलिन मस्कारा, बिकॉज़ ये वाटरप्रूफ है और काफ़ी अच्छी हमारी आईलैशेस को एक क्रीज दे देता है। अब अपनी फिंगर टिप की हेल्प से अपनी आईलैशेस को मैं ऊपर की ओर प्रेस करूँगी। अब अगेन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन कॉम्पैक्ट पाउडर अपने मेकअप बेस को फाइनल टच देने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मैं अप्लाई करूँगी ब्लशर। तो स्माइल करते हुए अपने हाई चीक एरिया पर मैं ब्लशर अप्लाई करूंगी, और ब्लशर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का पैलेट, जिसमें से मैं एक पीची पिंकी सा कलर यूज़ कर रही हूँ, जो काफ़ी अच्छा नेचुरल कलर क्रिएट करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ अपनी ब्रोज़ को फिल कर लूँगी, बिकॉज़ मैं अपनी ब्रोज़ को सबसे लास्ट में फिल करती हूँ ताकि एक अच्छी और एकदम फिनिशिंग लाइन के साथ ये क्रिएट हो, और ये वाटरप्रूफ है और काफ़ी अच्छी लाइन क्रिएट करती है। और साथ ही मैं अपनी ब्रोज़ को ब्रश भी कर लूँगी। अब मैं लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ पैक हाइलाइटर। अपने सारे ही हाई पॉइंट्स एरिया पर मैं हाइलाइटर को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, हाइलाइटर आपके मेकअप को बहुत अच्छी लुक देता है, तो हाइलाइटर हमें ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। आप हाइलाइटर को जब एक सही वे में यूज़ करते हैं तो जो आपका मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है और काफ़ी ग्लॉसी और काफ़ी शाइनियर लुक देता है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन लिपस्टिक 201 चेरी क्रश, बिकॉज़ मुझे मेबेलिन के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप कहीं भी रहते हो, आप इजीली मेबेलिन के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। इवन आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ यूज़ किए हैं वो मेबेलिन के हैं। तो मैंने यहाँ अपना पूरा मेकअप डन कर दिया है बहुत ही सिंपल वे में। अब मैंने यहाँ पर अपना ग्रीन कलर का गाउन वेयर कर लिया है, बिकॉज़ ग्रीन कलर के गाउन के साथ आज का मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था। अब मैं इनमें से गोल्डन कलर का जो ज्वेलरी है झुमका पैटर्न, वही यहाँ पर वेयर करूँगी। सो माय ऑल मेकअप इज़ डन गाइज। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I